जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि के 6 नवंबर से 10 नवंबर तक के राशिफल के बारे में। कुंभ राशि के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुनें, तभी आप कुंभ राशि वालों के 6 नवंबर से 10 नवंबर तक के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है, वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है, वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है, वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। और कौन कौन से अक्षर कुंभ राशि में आते हैं, वो आप वीडियो में देख सकते हैं और अपनी राशि जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मित्रों। पहले आज का विचार जान लेते हैं। यदि आप ये सोचते रहे कि लोग क्या कहेंगे, तो आप अपने जीवन की पहली सीढ़ी ही पार नहीं कर पाएंगे। इस बात का याद रखें। अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है, तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। पानी की तरह अपना रास्ता खुद बनाना सीखो। बाकी पत्थर तो लोगों का रास्ता रोकते ही हैं। हमेशा दूसरों की सफलता पर ध्यान देने से अच्छा है अपनी सफलता पर ध्यान देकर बेहतर बना जाए। चलिए मित्रों, पहले चंद्रमा का गोचर जान लेते हैं। 6 और 7 नवंबर को चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे, आपके दशम भाव में रहेंगे और उनकी दृष्टि जो होगी वो चौथे भाव पर रहेगी। दशम भाव से चंद्रमा दशम भाव में रहेंगे। चंद्रमा के दशम भाव में गोचर के परिणाम अच्छे होते हैं। दशम भाव में चंद्रमा रहेंगे तो 6 और 7 नवंबर का दिन आपका अच्छा जाने वाला है। पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल अच्छा देखने को मिलेगा। चंद्रमा की दृष्टि चौथे भाव पर रहेगी। हालांकि वहां पर राहु हैं, तो कुछ गलतफहमियों से बचें। बाकी पारिवारिक लोगों से तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। माता से आपके संबंध अच्छे रहेंगे, माता से तालमेल अच्छा रहेगा, माता से कोई लाभ मिल सकता है, पैतृक संपत्ति से कोई लाभ मिल सकता है। इन बातों का ध्यान रखना है। और दशम भाव में चंद्रमा का गोचर है, केतु के साथ में है, तो गलतफहमियां अवश्य बन सकती हैं। व्यापार कारोबार में थोड़ी शंका उत्पन्न हो सकती है। कोई भी कार्य आप विस्तार करना चाहते हैं, कोई भी आप व्यापार में नया कार्य करना चाहते हैं, कोई भी व्यापार में आप कार्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपके मन में गलतफहमियां और शंका हो सकती है इन दो दिनों में। लेकिन वैसे अच्छा रहेगा, राहु की दृष्टि है, आपको अचानक लाभ हो सकता है। केतु वहां पर हैं, तो आपके मन में थोड़ा तनाव हो सकता है, लेकिन व्यापार कारोबार आपका अच्छा चलेगा। 6 और 7 नवंबर को व्यापार कारोबार में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिन अच्छे रहेंगे, दोनों सुख रहेगा, सफलता मिलेगी, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी और पारिवारिक सदस्यों से भी आपके संबंध अच्छे ही रहने वाले हैं। 8 और 9 नवंबर की बात करें, चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे, यानी कि कुंभ राशि वालों के आय भाव में रहेंगे। चंद्रमा आय भाव में रहेंगे, दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी। आय भाव में भी चंद्रमा के गोचर के परिणाम बहुत अच्छे होते हैं और आय भाव में रहेंगे तो आपको शिक्षा में सफलता मिलेगी, बड़े भाई बहनों से संबंध अच्छे रहेंगे, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, प्रेमी और प्रेमिका से तालमेल आपका अच्छा रहेगा। व्यापार कारोबार में थोड़ा व्यस्त दिन रहेगा, आपको अपने व्यापार कारोबार में नौकरी में ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता होगी 8 और 9 नवंबर को, इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन आपको सफलताएं मिलेंगी, आपको आय से संबंधित परेशानियां नहीं होंगी, आपके आय के स्रोत बने रहेंगे और आपकी इच्छाएं भी पूरी होंगी। और अगर आपके बड़े भाई बहन आपके साथ में रहते हैं, वो कोई व्यापार करते हैं या कोई नौकरी करते हैं, तो उनसे भी आपको लाभ मिल सकता है, उनसे आपको सहायता मिल सकती है। और परिवार में और आपके प्रेमी प्रेमिका से, आपके जीवन साथी से संबंध तो अच्छे रहेंगे, मान सम्मान मिलेगी, सफलता मिलेगी, आपकी सारी कामनाएं पूरी होंगी। 8 और 9 नवंबर को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10 नवंबर की बात करें, चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे। मकर राशि 12वां भाव है आपकी कुंडली का, कुंभ राशि वालों का, और मकर राशि के स्वामी शनि हैं। और शनि का गोचर मकर राशि में ही है, 12वें भाव में ही है, जहां पर गुरुदेव का गोचर भी है। तो 12वें भाव में शनि का गोचर है, गुरुदेव का गोचर है, दृष्टि छठे भाव पर है। छठा भाव ऋण रोग शत्रु का भाव है, तो ऋण रोग शत्रु का भाव है, शत्रु तो इस समय
आप पर हावी नहीं हो पाएंगे बिल्कुल भी। और ऋण की बात है तो अगर आप ऋण लेना देना चाहते हैं तो बचना चाहिए, ऋण लेने देने से अपने को दूर रखें तो अच्छा रहेगा। और रोग की बात करें तो अगर कोई भी पुराना रोग है तो इन दो दिनों में आपको उस रोग से आराम भी मिलेगी, गुरुदेव की दृष्टि है। अगर कोई छोटी मोटी समस्या चल रही है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, अगर कोई बड़ी समस्या है तो उसमें निश्चित ही आपको आराम मिलेगा। और बारहवां भाव है, बारहवें भाव में चंद्रमा का गोचर है, तो अगर आपका कोई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कारोबार है, कोई विदेश से जुड़ा कारोबार है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं तो निश्चित ही आपको लाभ होने वाला है। और अगर आप किसी हॉस्पिटल वगैरह में कार्य करते हैं तो आपको लाभ होने वाला है, कोई पैथोलॉजी लैब चलाते हैं, कोई क्लिनिक चलाते हैं, कोई मेडिकल स्टोर चलाते हैं, दवाइयों से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें आपको लाभ मिलने वाला है। और थोड़ा आलस्य बना रहेगा, आपको इस बात का ध्यान रखना है, खर्चे हो सकते हैं, व्यर्थ के बाद विवादों से बचना है, क्योंकि शनि की दृष्टि वहाँ से आपके तीसरी दृष्टि परिवार भाव पर है, तो परिवार के लोगों से वाद विवाद से बचना है, तालमेल बनाकर रखना है। हालांकि दिक्कत वाली ज़्यादा कोई बात नहीं है, क्योंकि गुरुदेव की जो पंचम दृष्टि है वो चौथे भाव पर है, और चौथे भाव पर दृष्टि है तो चौथा भाव भी परिवार का भाव होता है, माता का भाव होता है। तो चौथे भाव पर दृष्टि होने के कारण आपको परिवार के लोगों से अगर कोई भी वाद विवाद होता है, कोई बातचीत होती है, तो तालमेल अच्छे रहेंगे, परिवार से संबंध अच्छे रहेंगे, दिन अच्छा रहने वाला है 10 तारीख का। अगर कोई गाड़ी वगैरह खरीदना चाहते हैं, कोई घर खरीदना चाहते हैं तो आज के दिन आप खरीद सकते हैं, अच्छा रहेगा। और गुरुदेव की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके छठे भाव पर है, वहाँ पर शनि की भी संयुक्त दृष्टि है जिसके परिणाम भी मैंने आपको बताए हैं, और नवम दृष्टि जो गुरुदेव की है वो आपके अष्टम भाव पर है, और शनि की जो दशम दृष्टि है वो आपके भाग्य भाव पर है। तो शनि की जो दशम दृष्टि है वो भाग्य भाव पर है, जहाँ पर सूर्य का गोचर भी है, तो यहाँ पर उतने अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे, थोड़ा आपको भाग्य में संघर्ष देखने को मिल सकता है। लेकिन अष्टम भाव पर गुरुदेव की दृष्टि है तो आपको अचानक लाभ हो सकता है, अचानक लाभ के योग आपके बने रहेंगे। कोई ऐसी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं जो कि आपकी योग से संबंधित है, अध्यात्म से संबंधित है, ज्योतिष से संबंधित है, या कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो उसमें आज के दिन आपको अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। तो मित्रों, ये 6 नवंबर से 10 नवंबर तक गोचर के परिणाम कुछ ग्रहों के इस तरह से मिलने वाले हैं। उपाय की बात करें तो आप हनुमान जी की पूजा उपासना करें, माता काली की पूजा उपासना कर सकते हैं, निश्चित ही लाभ आपको मिलेगा। गाय की सेवा भी कर सकते हैं, इनमें से कोई भी उपाय आप कर लें, आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपको कुंभ राशि वालों के 6 नवंबर से 10 नवंबर तक के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतरदशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।